हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टीसीएस का नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होने वाला है उसके इंटरव्यू कैसे होंगे, उसके इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाएंगे और कितने राउंड में इंटरव्यू होंगे। तो इन सभी चीज को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे या डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, पर उसके लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीसीएस का नेशनल क्वालिफायर टेस्ट या जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है अगर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं या फिर आप उस ऑनलाइन टेस्ट को क्रैक कर देते हैं तो उसके बाद टीसीएस आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। पर यहां पर मैं बता दूं कि एक इंटरव्यू नहीं होंगे बल्कि आपके तीन राउंड में इंटरव्यू चलेंगे। और ये तीन राउंड कौन कौन सा होगा? एक होगा टेक्निकल, दूसरा होगा मैनेजेरियल और तीसरा होगा एचआर राउंड। और इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि टेक्निकल में क्या पूछा जाएगा, मैनेजेरियल में क्या पूछा जाएगा और एचआर राउंड में क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं आता हूं टेक्निकल पे। तो अगर आपको टेक्निकल राउंड की तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। जैसे IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो ये सब जो नए टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, न्यूरल नेटवर्क है, तो ये सब जो करेंट टॉपिक है, ये सब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इनके बारे में आप जरूर नॉलेज रखें। बहुत डीप नॉलेज नहीं रखें पर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप जो है सी लैंग्वेज पे अपना कमांड कर लें, एक और लैंग्वेज पे कमांड कर लें, चाहे वो पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, क्योंकि वो आपको पूछ सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, मतलब कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छा आता है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप सी बताएंगे तो आपसे सी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप पाइथन बताएंगे तो आपको पाइथन से पूछा जाएगा। यहां पर मैं पाइथन पे जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि टीसीएस जो है पाइथन पे काम करती है और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर आपको इन चीजों का आइडिया पहले से है तो ये आपके बेनिफिट में जा सकता है। और टेक्निकल में बाकी उनके मर्जी जो भी पूछ सकते हैं, पर आप अपने तरफ से इन सब चीजों के लिए रेडी रखें। दूसरा, अगर आपने कॉलेज लेवल पे कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसकी आप स्टडी कर लें, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में पूछे कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, तो आप जरूर बताएंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट किया है, तो फिर उससे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। यहां पर टेक्निकल का मतलब ये है कि जिस टेक्नोलॉजी में आपने काम किया है उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बाद SDLC के बारे में पूछ सकते हैं, ER डायग्राम के बारे में पूछ सकते हैं, DFD के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये सब सारे चीजें आपसे टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं HR इंटरव्यू में। तो आप सोच रहे होंगे कि HR इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं HR इंटरव्यू जो है वो बहुत ही फ्रेंडली होता है और बहुत ही इंटरेक्टिव होता है। इसमें क्या करते हैं कि वो आपके बारे में पूछते हैं, वो आपसे बोलेंगे कि टेल मी अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ, उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि आप हमारे कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है, उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि आप नेक्स्ट 5 ईयर में अपने आप को कहां देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप सैलरी कितना चाहते हैं, तो ये सब सारे चीजें आपसे पूछा जा सकता है HR इंटरव्यू में। वो ये देखते हैं कि आप उनके कंपनी में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, ठीक है, उसके बाद वो ये भी देखते हैं कि आप जो है ये इंटरव्यू केवल ऐसे ही आए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए या फिर
आप रियल में इंटरेस्टेड हैं टीसीएस ज्वाइन करने के लिए, तो ये सारा चीज आपको एचआर इंटरव्यू में जज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि क्या ऐसा ना हो कि उसने इतना मेहनत करे, आपको ट्रेनिंग कराया, फिर आप छोड़ के चले जाए, तो ये आप जज कर लेते हैं। वो मतलब 60-70% ये जज कर लेते हैं कि आप जो है कंपनी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके एचआर इंटरव्यू में होता है। उसके बाद आपका होता है मैनेजरियल इंटरव्यू, पर मैं आपको बता दूं सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो सकता है। वैसे जो सीक्वेंस है वो तो ये है कि टेक्निकल होगा, फिर मैनेजरियल होगा, तब लास्ट में एचआर होता है, ठीक है। पर चलिए यहां तो हम ये देख रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उस पर मेरा मेन कंसंट्रेशन है। उसके बाद आता है मैनेजरियल इंटरव्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, हम तो अभी फ्रेशर हैं, तो ये फिर मैनेजरियल स्किल क्या मेरा देखेंगे? तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप किसी टीम में हैं, ठीक है, और आपके टीम में जो मेंबर्स हैं वो सभी के साथ आपका ट्यूनिंग है, पर उसमें एक ऐसा मेंबर है जिसके साथ आपका ट्यूनिंग अच्छा नहीं है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका टीम वर्क देखा जाएगा, आप किस तरीके से डील कर सकते हैं वो देखा जाएगा। तो ये सारे चीज जो है इस मैनेजेरियल इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि सपोज दैट कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट बोला गया कि आपको एक महीने में जो है इस प्रोजेक्ट को देना है, पर अचानक जो है 10 दिन के बाद बोला जाए कि आपको ये प्रोजेक्ट एक महीने नहीं केवल 20 दिन में ही आपको देना है, तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन होगा? तो इस तरह के कुछ जो है मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन आपको दिए जा सकते हैं और उसमें आपको आंसर देना है। उसके बाद जैसे हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आपने कुछ रिपोर्ट दिया, आपने कुछ प्रोजेक्ट बना के दिया, या आपने कुछ वेब पेज बना के दिया, मतलब जो भी आपका बॉस बना के दे रहा है वो आपने दिया, और वो जब आपने बना के दिया तो उससे वो संतुष्ट नहीं है, मतलब यहां पर आपको लग रहा है कि मैंने तो परफेक्ट बनाया है, पर जो आपका बॉस है वो बोल रहा है कि नहीं ये परफेक्ट नहीं है, बेकार है, तो आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मैनेजेरियल स्किल में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि सपोज दैट कि आप जहां काम करते हैं वहां आपके साथ के लोग जो है आपके बॉस का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके बॉस के बारे में उल्टे सीधे बोल रहे हैं, पर आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप कैसे डील करेंगे? आप उनके साथ जो है मिक्स होके आप भी बोलने लगेंगे, या आप चुपचाप रहेंगे, या फिर आप उनके अगेंस्ट में बोलेंगे कि नहीं बॉस तो हमारा बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम करते हैं, मतलब वो इस तरह के चीजें इन्वायरमेंट बनाएंगे और उस इन्वायरमेंट को आपको देंगे और आपसे पूछेंगे कि आप इस इन्वायरमेंट को कैसे डील करेंगे। ये मैनेजेरियल जो है स्किल में देखा जाएगा। तो ये जो है आपका टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू और मैनेजेरियल इंटरव्यू होगा, और ये अगर आप जो है क्लियर कर लेते हैं तो फिर टीसीएस आपको ट्रेनिंग कराएगी और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगी। तो ये मैंने दोस्तों बहुत डिटेल से आपको बताने की कोशिश की, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।